हाँ सर, यही इसी से संबंधित मेरा भी एक सवाल है, मैं इनके साथ जोड़ देता हूँ। अक्सर युवा बात करता है रोजगार की, ठीक है, सरकारी नौकरियाँ हर किसी को मिलना नहीं मिलना एक अलग बात होती है, परंतु आज का युवा चाहता है कि वो कंपनीज में जाए, उन्हें अच्छे पैकेजेस मिले, प्राइवेट जॉब्स करें, तो क्या इसके लिए भी सरकार किसी तरह कोई योजनाएँ बनाती हैं कि जिससे कंपनीज को बुलाया जाए, जो प्लेसमेंट करने वाले हैं उन लोगों को बुलाया जाए, और यूथ फेस्टिवल टाइप के कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे कि उन दोनों के बीच का सरकार माध्यम बने और उन्हें अपने जॉब्स मिल सकें? सुनील जी, इस प्रदेश में बहुत बड़े बड़े जॉब फेयर्स प्रदेश की सरकार ने लगाए हैं, और उन जॉब फेयर्स के माध्यम से अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे स्केल्स पे, बड़े बड़े पैकेजेस पे हमारे युवा साथियों का सिलेक्शन हुआ, उनको नौकरियां मिली। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि राजनीति में महिलाओं का योगदान आज भी बहुत कम है। केंद्र सरकार को देखा जाए तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर महिलाओं के नाम पे वोट तो बहुत लिए, लेकिन आज भी देखा जाए तो मणिपुर में सडनली ये घटना हुई है महिलाओं को लेकर, उसमें मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए, आपने 3-4 सवाल मिक्स कर दिए। वो मैंने बोला ना अंतिम सवाल। पहली बात आपने कही राजनीति में महिलाओं के योगदान की, तो चूंकि अभी हम बात कर रहे थे युवाओं की, युवाओं में हमारी महिला साथी भी हैं, आप स्वयं भी शामिल हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो बात मैंने मेरे युवा इन साथियों के लिए कही कि राजनीति में कोई किसी को जगह देता नहीं है, जगह हमें बनानी पड़ती है, हमारे परिश्रम से हमें अपनी जगह हासिल करनी पड़ती है, लेकिन उसके लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। चूँकि आप युवा हैं, इस बात का भरोसा मैं ज़रूर आप सभी को दिलाऊँगा और देना चाहता हूँ इस न्यूज़ इंडिया के इस मंच से कि मेरे किसी भी सहयोग की आप में से किसी को भी जब भी आवश्यकता होगी हमेशा अपने बीच में पाओगे। मणिपुर की घटना का आपने जिक्र किया, उस वहाँ जो कुछ भी चल रहा है मणिपुर में, मुझे लगता है इस देश का हर इंसान, हर व्यक्ति उन घटनाओं को जब भी देखता है बड़ा आहत महसूस करता है। 3-4 महीने से मणिपुर जिन हालातों में है, हम सब जानते हैं कि क्या वहाँ हो रहा है। तो मैं तो इस मंच से यही अपील करना चाहूँगा कि मणिपुर इस देश का हिस्सा है और अपने देशवासियों की सुरक्षा, अपने देशवासियों की जिम्मेदारी उनकी उठाना, उनको सही तरीके से उस प्रदेश में उनको नागरिकों को स्थान दिलवाना, ये हमारी सरकारों का काम है। जब समय कम पड़ जाए और सवाल ज़्यादा हो तो लगता है ऐसे कार्यक्रमों की लगातार ज़रूरत है, और हमें लगता है कि ऐसी मुहिम, हमारी जो मुहिम है हम उससे कुछ सफल हो रहे हैं। जी पूछिए संक्षेप में। गुड इवनिंग सर, मैं दिनेश गहलोत। सर, मेरा सवाल यही है कि राजनीति में आने के लिए इंसान में क्या 3 खासियतें होनी चाहिए ताकि जो राजनीति में कोई व्यक्ति आना चाहे तो थोड़ी गाइडेंस। आपने 3 पूछी है तो मैं 3 ही बताऊंगा। जी सर, सबसे पहली खासियत आत्मविश्वास जी, दूसरी उसका वक्ता और श्रोता होना जरूरी है। सिर्फ बोलने वाला अच्छा राजनेता नहीं बन सकता। और तीसरी निरंतरता। सर, राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि आपकी निगाहें 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की विधानसभा पर है, वो कौन से विधानसभा के लोग होंगे जहां से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए पंकज जी, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये मंशा मेरी है, ये मेरी इच्छा है कि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। अब ये कौन सी विधानसभा होगी ये तय करने का काम प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की जो इकाई है उन सभी का है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सभी सवालों के जवाब दिए और बहुत बेबाकी के साथ दिए। चलते चलते सिर्फ इतनी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, माइक को आप एक बार रखिए मत। राज कायम रहेगा, रिवाज कायम रहेगा, दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, आपकी क्या तैयारियाँ हैं और उनकी क्या कमियाँ हैं, मैं आपकी नज़र से जानना चाहूँगा। देखिए, हमारी तो तैयारियाँ बहुत सीधी सी हैं कि हमने जो काम किया है इस प्रदेश में, प्रदेश की जनता के लिए जितना काम हमने किया है, सिर्फ हमारा काम, हमारी गुड गवर्नेंस, हमारी योजनाएं, हमारे फैसले, हमारी उपलब्धियां,
इन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप सबके लिए ये किया है। जहां तक बात की आपने विपक्ष की, उनके पास आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं, तो हमारी पूरी तैयारी है। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर अपनी योजनाएं, अपने कामकाज, अपनी सरकार की उपलब्धियां और उनके फैसलों को लेकर जनता के बीच जाएगी और निश्चित रूप से हमें इस बात का भरोसा है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।